हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। ये गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च, ये उबला हुआ आलू, ये बेसन और ये हमारे पास चार रोटियां हैं बची हुई। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसमें बेसन डालेंगे, हल्दी, लाल तीखी मिर्च, नमक, दरदरी मिर्च, एक चम्मच बड़ा हम दही डालेंगे। इसमें सारी चीजें मिला, दही नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हो। अब इसमें हम पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। घोल हम ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, ये हमने फेंट लिया है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्ची डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आप ये सारी सब्जियां डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं बिना सब्जियों के भी। ये हमने आलू कद्दूकस कर लिया है, आलू हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे दरदरी तीखी मिर्च, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, अमचूर पाउडर, हरी धनिया डालेंगे, प्याज डालेंगे। अब इसको सारी चीजें को हम मिला लेंगे हाथ से। हमने सारी चीजें मिला लिया है, भी है हमारे पास चार रोटियां हैं। हम रोटी को चार कोना से काट लेंगे साइड साइड। हम इस साइड कट करेंगे, हमने चारों रोटियां कट कर लिया है। हम आलू लगा देंगे इस पे, भरकर हम इसको ऐसे एक ऊपर बंद कर देंगे। बीस को हम कट कर लेंगे, बीस से जैसे ब्रेड कटर रहता है काटते हैं ब्रेड पकौड़े के लिए, वैसे हम इस ये देखें हमने कट कर लिया है दोनों को, इसको भी कट कर लिया है। अब हम बनाएंगे पकौड़ा। तेल हमारा गरम हो चुका है, ये हम बेसन का घोल लेंगे। ये रोटी इसमें हम बेसन के घोल में डिप करेंगे, ऐसा रोटी को अच्छी तरह से बेसन में कोट कर लेंगे और ये तेल में डाल देंगे। हो गया है, हम दूसरी साइड पलट देते हैं इसको। ब्रेड पकौड़ा हमारा ब्रेड पकौड़ा सेक चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारी रोटी से ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम रोज रोज नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा।